Now we are going to discuss the six basic principles of store operations in detail. तो सबसे पहले हमारे पास ये six principles हैं जिसको मैं one by one आपके लिए जल्दी से list down किए हुए हैं और आपको लिए कोई quickly review करता हूँ सबसे पहला principle हमारे पास है presentation का So presentation is actually create attractive, uniform, easily accessible presentation in a coordinated way. तो क्या होता है प्रेजेंटेशन के बारे में इसको डिटेल से अभी हम अपनी आने वाली स्लाइड्स के अंदर कवर करते हैं दूसरा प्रिंसिपल है साइनेज का सो व्हाट यू हैव टू डू यू हैव टू प्रोवाइड ऑल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन यूजिंग साइनेज टू मीट द कस्टमर नीड्स थर्ड प्रिंसिपल इज प्रमोशन। सो विट व यू हैव टू डू इज टू डू मैस मर्चेंडाइजिंग एंड हाईलाइट प्रोमोशन आर्टिकल्स फोर्थ सेफ्टी प्रिंसिपल you have to ensure a safe environment for customers a safe environment for staff ensuring the safety and security of the products then number 5 principle is the product quality so constantly promote and maintain product quality sixth principle is personnel so you need to make sure that customer meets professional and well trained staff on the floor so now we are going to discuss वन बाई वन ऑल दीज प्रिंसिपल्स सबसे पहले जो प्रिंसिपल हमारे पास है दैट इज़ प्रजेंटेशन और जिस तरीके से मैंने प्रजेंटेशन के बारे में भी आपसे शेयर किया कि एक्चुअली प्रजेंटेशन इन समरी क्या है इट इज़ टू क्रिएट अट्रैक्टिव यूनिफॉर्म एंड ईजिली एक्सेसबल प्रजेंटेशन तो वो क्रिएटिव भी हो वह अट्रैक्टिव भी हो वो यूनिफॉर्म भी हो इन डिस्प्ले और कस्टमर को एक्सेसबल भी हो, in display, और customer को accessible भी हो. किस तरीके से हमारे पास यहाँ दो एग्ज़ाम्पल्स मौजूद हैं फूड रिलेटेड भी और नॉन फूड रिलेटेड भी इट इज़ वेल सेड दैट अ वेल डिस्प्लेड प्रोडक्ट इज़ ऑलवेज ईजी टू सेल बहुत आसान हो जाता है मसला अगर कोई प्रोडक्ट प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले हो कस्टमर का दिल चाहता है कि उस प्रोडक्ट को आए और उस प्रोडक्ट को बाय कर ले अगर मैं फूड की एग्ज़ाम्पल की बात करता हूँ तो सबसे पहले आप यहाँ देखें कि यहाँ पर जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का डिपार्टमेंट है उसको प्रॉपरली तरीके से प्रेजेंटेशन की एग्जांपल के तौर पे दिखाया गया है और प्रोडक्ट्स आर वेल प्रेजेंटेड दे आर अट्रैक्टिव उसमें प्रॉपर थीम इस्तेमाल किया गया है प्रॉपर की मैस मर्चेंडाइजिंग की गई है कस्टमर को ईजीली एक्सेसबल है और इसके अंदर अट्रैक्टिवनेस क्रिएट की गई है ताकि कस्टमर को बाइंग की तरफ ये मजबूर कर दे नॉन फूड की एग्जांपल की बात करते हैं तो अगेन अगर आप देखते हैं दूसरी एग्जाम्पल जो हम यहाँ दिखा रहे हैं नॉन फूड की नॉन फूड की एग्जाम्पल के अंदर पैलेट डिस्प्ले विच इज द मैस मर्चेंटाइजिंग डिस्प्ले नज़र आ रहा है हमें यहाँ पर बहुत क्लियर प्रेजेंटेशन है कस्टमर को यूनिफॉर्मिटी आपको नजर आ रही है अगेन मैं उसी डेफिनेशन के पैरामीटर को एग्जाम्पल के अंदर उतारने की कोशिश कर रहा हूँ अगर आप देखेंगे तो यूनिफॉर्मिटी भी है इजीली एक्सेसिबल है प्रजेंटेशन कस्टमर को और एक स्ट्रक्चर्ड वे में रखी हुई है ऐसा नहीं है कि कोई हॉटस्पॉट चीज मौजूद है एक प्रॉपर तरीके से एक प्रोडक्ट को प्रजेंट किया गया है इसी तरीके से अब हम डिस्कस करते हैं कुछ जनरल एस्पेक्ट प्रोडक्ट डिस्प्लेस के क्या होते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है यू हैव टू क्रिएट अथेमेटिक वर्ल्ड एन ओपन एटमोस्फेयर विजुअली अपीलिंग डिस्प्ले विद रिगार्ड्स टू कलर एंड प्रोडक्ट टाइप तो आपको एक थमेटिक वर्ल्ड क्रिएट करना है जब भी हमने प्रोडक्ट प्रजेंटेशन के हवाले से बात करनी है किसी थीम को फॉलो करना है या वो थीम प्रोडक्ट टाइप की बेस के ऊपर होगा कलर की बेस के ऊपर होगा प्रोडक्ट फैमिली की बेस के ऊपर होगा सो so, कोई भी हो लेकिन वी हैव टू फॉलो अ पर्टिकुलर थीम वाइल मेकिंग आवर प्रोडक्ट डिस्प्ले दूसरी चीज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज मेकिंग द बल्क डिस्प्ले जिसको नॉर्मली मैस मर्चेंडाइजिंग कहा जाता है सो प्रोडक्ट डिस्प्ले का दूसरा बेसिक जनरल प्रिंसिपल ये है कि आपको मैस मर्चेंडाइजिंग को फॉलो करना है इसी तरीके से प्रोडक्ट शुड बी इजीली हैंडल्ड बाय द कस्टमर इजीली हैंडलिंग हो इजीली एक्सेसिबल हो कस्टमर अगर प्रोडक्ट को चेक करना चाहे टेस्ट करना चाहे इवेल्यूएट करना चाहे उसके लिए बहुत आसान सी जगह पर बहुत इजीली एक्सेसिबल हो फिर प्रोडक्ट की जो लोकेशन है वो शुड बी द राइट लोकेशन फॉर द प्रोडक्ट जहाँ उसकी प्लेसमेंट है जहाँ उसकी फैमिली है वहां पर वो प्रोडक्ट मौजूद होनी चाहिए ऐसा ना हो कि नॉन फूड के एरिए के अंदर कोई फूड की प्रोडक्ट आपको नजर आ रही हो या अलट से वो ग्रॉसरी आइटम्स के साथ शायद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल नज़र आ रही हो तो दे आर नॉट दैट इज़ नॉट द राइट लोकेशन फॉर आइदर ऑफ़ द प्रोडक्ट्स फिर आपको यू हैव टू यूज़ अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट इन ऑर्डर टू डिस्प्ले योर प्रोडक्ट और ऑब्जेक्टिव क्या है दैट यू कैन ऑफर मैक्सिमम वैल्यू एडिशन टू योर कस्टमर्स प्रोडक्ट प्रजेंटेशन करते वक्त अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास वर्टिकल सेगमेंटेशन और हॉरिजोंटल सेगमेंटेशन दोनों इस्तेमाल होती है जब हम बात करेंगे वर्टिकल सेगमेंटेशन की वो होती है प्रोडक्ट की फैमिली के हवाले से फॉर एग्जाम्पल अगर ये कॉफ़ी की बात हो रही है उसके बाद टी की है कोकोआ की है मे बी और किसी प्रोडक्ट की है जो कि विच इज़ मोर रेलिवेंट टू दिस सो वर्टिकल सेगमेंटेशन इज़ एक्चुअली अबाउट द प्रोडक्ट फैमिली सो वर्टिकल जो कस्टमर फ्लो को अगर आप देखेंगे कस्टमर फ्लो मूव हो रहा है फ्राम लेफ्ट टू राइट जो कि यहाँ फ्लो डाइग्राम से नज़र भी आ रहा है सो so, आपके पास पहले एक प्रोडक्ट फैमिली आएगी कॉफ़ी सो एवरीथिंग अबाउट कॉफ़ी

सो so, अगर हम हॉरिजॉन्टल सेगमेंटेशन देखेंगे सो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और अगर हम वर्टिकल सेगमेंटेशन की बात करते हैं तो दैट इज बाय प्रोडक्ट फैमिली इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो फिर वर्टिकल सेगमेंटेशन के अंदर जब हम बात करते हैं तो वर्टिकल सेगमेंटेशन में फिर गुड बेटर और बेस्ट का क्राइटेरिया आता है जिस तरीके से कस्टमर फ्लो उसी डायग्राम के अंदर कॉफ़ी टी और कोकोआ हमें विजिबल नज़र आ रहा है फिर देन वी हैव टू सी कि कस्टमर के लिए व्हाट इज़ गुड व्हाट इज़ बेटर एंड व्हाट इज़ बेस्ट और नॉर्मली कंपनीज जो हैं वो गुड बेटर बेस्ट का जो रसूल है वो कस्टमर की डिमांड को देखते हुए भी अप्लाई करती हैं कि विच इज़ मोस्ट लाइक बाय द कस्टमर विच इज़ द बेस्ट लाइक बाय द कस्टमर विच इज़ नॉर्मली एक्सेप्टेबल बाय द कस्टमर तो उसकी बेसिस के ऊपर आप ये प्रेजेंटेशन नॉर्मली कर रहे होते हैं नॉर्मली स्टोर के अंदर जब हम जाते हैं तो आपको प्रोडक्ट डिस्प्ले के साथ ये कुछ एक प्रोडक्ट जो हाईलाइटेड यहाँ मैंशनड है ये एक प्लानोग्राम है प्लानोग्राम क्या है जिसकी बड़ी पिक्चर हमारे पास ये मौजूद है प्लानोग्राम बेसिकली एक प्लान है स्टोर में शेल्फ पे प्रोडक्ट को रखने का तो जिस तरतीब के साथ जिस सीक्वेंस के साथ प्रोडक्ट को प्लेस किया जाता है शेल्फ के अंदर उस एक्चुअली सारे प्लान को प्लानोग्राम की सूरत में प्लानोग्राम की मदद से रखा जाता है जिसकी एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ आपको नजर भी आ रही है तो किस प्रोडक्ट की कितनी फेसिंग्स रखनी है किस प्रोडक्ट को कितना डिस्प्ले देना है किस प्रोडक्ट की कितनी जगह देनी है और कहाँ कौन सी प्रोडक्ट आनी है पहले लिप्टन आना है या पहले सुप्रीम आना है पहले टिपाल आना है या पहले कुछ और आना सो वट्स एवर इट इज़ वो आपने इस डायग्राम के थ्रू इस प्लानोग्राम के थ्रू आपने उस प्रेजेंटेशन को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करना है हमारे पास अगर हम देखते हैं तो प्रेजेंटेशन के अंदर क्विक एग्जांपल एक और जो मैं फेसिंग्स की बात कर रहा था कि प्रोडक्ट कितनी फेसिंग्स के साथ लगानी है तो दे एक्चुअली लुक लाइक दिस सो प्लानोग्राम में इस तरीके से फेसिंग नज़र आती है कि किस प्रोडक्ट को आपने ज्यादा फेसिंग देनी है किस प्रोडक्ट को आपने कम फेसिंग देनी है यानी कि किसकी नंबर ऑफ़ फेस ऑफ द प्रोडक्ट आर मोर और लेस ये नॉर्मली डिपेंड करता है कि उस प्रोडक्ट की कितनी ज़्यादा डिमांड है या कंपनी ने सप्लायर से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल करने के लिए शेल्फ स्पेस की मद में कितने पैसे चार्ज किए हैं सो so, दोनों सूरतों में आपके लिए नंबर ऑफ फेसिंग्स काउंट होती हैं और जितनी कोई प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होगी ऑफकोर्स उसकी रिप्लानिशमेंट उतनी ही जल्दी होगी सो so, नॉर्मली जो फास्ट रनिंग एक्सक्यूज होते हैं कंपनिंग उस कंपनी उसकी फेसिंग्स को भी ज़्यादा करती है एक और क्विक अगर हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन के हवाले से बेसिक बात तो अगर कोई आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट है फॉर द शॉर्टर रन तो आपको उसको फिल नहीं कर देना किसी और प्रोडक्ट से यू हैव टू कीप दैट स्पेस ओपन वहाँ विजिबल रखना है ताकि कस्टमर यह ना समझे कि अब हम ये प्रोडक्ट बेचते ही नहीं है उसको ये पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट अभी अवेलेबल नहीं है सो so, रिटेलर अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्गर टर्म के नहीं आनी तो फिर वो मेंशन करता है कि मैं ये प्रोडक्ट अभी सेल नहीं कर रहा हूँ लेकिन अगर वो शॉर्ट टर्म टर्म में आ जानी है कोई पाँच सात दस दिन के अंदर प्रोडक्ट आ जानी है तो इसका मतलब ये है कि फिर वो उस जगह को ओपन रखता है खाली रखता है विजिबल रखता है कस्टमर को बताने के लिए कि अभी फॉर द टाइम बींग ये स्टॉक मौजूद नहीं है तो हमारे पास क्विकली अगर हम देखते हैं तो हमारे पास स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स आ गए हैं सबसे पहले कि प्रोडक्ट जो है वो आपने कस्टमर डिसीजन ट्री के थ्रू आपने प्रेजेंट करनी है प्रोडक्ट किसी सीक्वेंस से होनी चाहिए पावरफुल प्रेजेंटेशन होनी चाहिए आपको एक्सप्रेस करना है कंप्लीटनेस फ्रेश डिपार्टमेंट के अंदर और नॉन फूड डिपार्टमेंट के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो की इन्फॉर्मेशन फाइव सेकेंड इन्फॉर्मेशन जो है वो देनी है इन पांचों बातों को हम क्विकली अभी कवर करते हैं अपनी दो आ, कुछ आने वाली कमिंग स्लाइड्स के अंदर ये ट्री है बहुत आसान जुबान के अंदर अगर मैं एक्सप्लेन करूं इसको तो आपको प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना है बाय उसकी फैमिली फॉर एग्जांपल अगर सिट्रस की बात करते हैं तो ऑल सिट्रस टुगेदर वो बेशक ऑरेंज है वो बेशक जूस ऑरेंज है वो बेशक ग्रे फ्रूट्स हैं वो बेशक लेमन है सो वन फैमिली एट ए टाइम ये फूड की एग्जाम्पल है और नॉन फूड के केस के अंदर भी ऐसा ही है बेशक वाइट कलर्ड डेकोरेटेड ट्रांसपेरेंट सो ऑल टाइप्स ऑफ लट्से गट्टे मैं बात कर रहा हूँ प्लेट्स की या हाउस होल्ड आइटम की सो बाय कलर और बाय फैमिली आपको यहाँ डिसीजन ट्री के अकॉर्डिंगली प्रेजेंट करना है और जो नॉन फूड की बात हम कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन पाँच सेकेंड के अंदर आपको प्रोवाइड करनी है नॉन फूड सेगमेंट के अंदर आखिरी बात जो प्रेजेंटेशन के हवाले से है कि ये बेसिक इंफॉर्मेशन चार पॉइंट्स प्रोडक्ट सैम्पल प्राइस उसकी प्रोडक्ट इन्फो और स्टॉक ये चार बातें कस्टमर को विद इन फाइव सेकेंड्स आइडेंटिफाई हो जानी चाहिए और अगर कस्टमर इनको आइडेंटिफाई कर लेता है इसका मतलब ये है कि कस्टमर इस पोजीशन में है कि वो आपके प्रोडक्ट को बाय करने का डिसीजन ले ले। सो प्रेजेंटेशन इज वन ऑफ द की एलिमेंट्स कस्टमर के डिसीजन लेने में प्रोडक्ट को बाइंग के हवाले से